फ्राइडे से जो है हम इस जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ये 25 करोड़ लोगों की आस्था की भावना है और यही हमारे सामने जीवन में पहला मुद्दा है। जब तक ये हमें हमारा प्रार्थना स्थल नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। हमारे तरफ से पूरा संत समाज के तरफ से जो प्रस्ताव पास किया था वो सरकार को दिया गया है। चंद्रशेखर जब आए रामलीला मैदान में तो वो एक अलग कोने में उनका एक अलग ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना एक अलग प्रोग्राम चला रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भी जो लड़के गए थे रात को वहाँ पे वो बवाल हो। तो क्या आप खुद को चंद्रशेखर के साथ अभी एसोसिएट रख रहे हैं या आप मानते हैं कि वो आपके गुस्से नहीं है और उन्होंने जो हिंसा बात किया वो गलत किया? नहीं, यह हमारे संतों ने जो आह्वान किया था तो संतों के माध्यम से जो हमारा फंक्शन रामलीला मैदान में हुआ था, हाँ ये जरूर हुआ कि आज भी मैं आपके माध्यम से पूरे देश को आह्वान कर रहा हूँ कि जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम से जितने भी संगठन है तो उनको हमें सहयोग करना चाहिए। तो उस टाइम में हमने ऐसा ही बोला था, लेकिन उस समय हमारे तेज के ऊपर भी हम दिल्ली के नहीं है, हमारा दिल्ली के हमारे जो संतों के सम्मेलन होते हैं वहाँ आवाज निकालना भी गुनाह होता है, लेकिन वहाँ ये जरूर हमने भी देखा कि हमें ये नहीं पता चला कि तेज के ऊपर कौन से संस्था का आदमी है। तो वहाँ जो हमारा जो मार्च था जो वो तो शांतिपूर्वक तेज तक चला गया, उसके बारे में हमारा कोई संदेश नहीं था। तो उसके बारे में जो किया गया है या गलत हमारे अंदर घुसकर शायद दूसरे ने गलत करके हमारे ऊपर डाल दिया गया है ऐसा मुझे नजर आ रहा है, वो हमारे तरफ से संदेश नहीं है। मतलब वहाँ जो लड़के गए वो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं? नहीं, हमारे लोग गए हैं, हमारा लेना देना जरूर है, हमारे लोग उसके अंदर है तो, लेकिन किया जो शरारत की गई है वो हमारे लोगों की तरफ से नहीं, अंदर घुसकर शायद दूसरे ने किए। क्या सब लगता नहीं है सरकार की भी मिली भगत हो या अन्य पार्टी की मिली भगत हो, जब रामलीला मैदान से चंद्रशेखर अपने साथ लड़कों को लेकर चले, पहला बैरिकेड पड़ा जंतर मंतर का, फिर उसका इंडिया गेट के बाद में सारे बैरिकेड तोड़ते हुए आतंकवाद पहुंचे, इसमें जो हमारा संतों वाला जो मामला था उसके आगे का हमने देखा नहीं है। संतों का मामला वही तक था रामलीला मैदान, लेकिन किसी ने हमारे अंदर घुसकर जो गलत काम किया है तो हमारे बच्चे उसमें ये हुए, इसलिए सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ गलत लोग हमारे बीच में घुस गए और उन्होंने इस आंदोलन को एक तरह से भटका दी, उसकी उसको हिंसक बना दिया, तो जब पुलिस ने उन लोग को पकड़ा शीशे जिन्होंने गाड़ियों के तोड़े या पत्थर फेंके, तो फिर आप उनको बिना शर्त छोड़ने की बात क्यों कह रहे हैं? हमारे लड़के है ना, हमारे लड़के के, अगर हमारे लड़के जा रहे हैं कि उस धरती को नमन करने के लिए, माता के आस्था हमारी सबसे ज्यादा तुगलकाबाद मंदिर के लिए, एक तरफ आप कह रहे हो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जो अंदर बचाने की भी बात कह रहे हो, अंदर उनके अंदर घुसकर हमारे लोगों को फंसाया गया है तो वो तो हम नहीं बता सकते कि किस पार्टी के है किस इसके है, हम नहीं बता सकते ना, लेकिन लड़के हमारे वहाँ जो पकड़े गए है वो उनको निर्दोष छोड़ा जाए। आज अभी भी आपके सामने मेरे विचार दे रहा हूँ कि ये जो है बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान है। आज मेरे पास भारती जी बैठे हैं तो क्या जैसे उस दिन चंद्रशेखर बैठे थे तो आज भी हम सभी संगठन को कह रहे हैं कि भाई इसको सबको मिलके सरकार को बताना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी एक संस्था को गाइड कर रहा हूँ, मेरे तरफ से ऐसा गाइड नहीं किया गया, लेकिन आपने तो कहा था उस एड्रेस को मिलने पास। मैं आज भी कह रहा हूँ कि सभी बहुजन समाज के जितने भी संगठन है उस दिन आपका कोई उससे मतलब नहीं था, नहीं था। सर सरकार की मिली भगत नहीं थी तो उनके पास क्या थर्मामीटर था
कि 2 घंटे के अंदर ही मूल जी का नाम भी, उसका पता भी, उसके बाप का नाम भी, उसके गांव का नाम भी उन्होंने डिस्कस किया। इस बारे में मैं तो नहीं जानता हूँ, उस बारे में जो जो संगठन जो जो संगठन मेरे हाथ में था उस बारे में मैं जानता था, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। अगर मेरे पास हमारे छोड़कर कहीं दूसरे तरफ कुछ करेगा उस बारे में मैं नहीं जानता। तो क्या आप मानते हैं कि जो हुआ वो गलत था और जिन लोगों ने किया वो, क्या आप अपने आप चाहेंगे कि वो आपके संगठन से दूर रहे, क्योंकि आपका जो शांतिपूर्ण आंदोलन है वो भटक भी रहा है, बदनाम भी हो रहा है उनकी वजह से। तो इसलिए तो हम हमारे बच्चों को मैंने क्लियर कर दिया उस आंदोलन से, जहाँ जहाँ हमारे लोग जहाँ जहाँ रुके वहां वहां जाके सरकार ने उसको पकड़ा है, जहाँ जहाँ उधर किसने किया ये मुझे नहीं पता। नहीं, तो आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर को भी छोड़े पुलिस? नहीं, उस बारे में देखिए जो हुआ है इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या हुआ है। नहीं, आप जिन लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं क्या आप उनमें चंद्रशेखर को शामिल करेंगे? तो इस बारे में अभी हम कह रहे हैं हमारा भी इसमें यह है, जैसा आंदोलन आगे चालू है तो उस बारे में मैं मेरा कोई ये नहीं, हमारा जो इससे रख रहे हैं फ्राइडे से जो है हम इस जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।